पानी में घर बनाना, सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि पूरा वाटर पार्क। ये बढ़िया लग रहा है और ये अविश्वसनीय लग रहा है। समुद्र से ज्यादा सुंदर क्या हो सकता है, खासकर जब आप अपने दोस्तों के साथ फास्ट बोट पर क्रूजिंग कर रहे हो। ये स्वर्ग है। अच्छी हवा आपके चेहरे पर लगती है और ये ऐसा लगता है जैसे आप अनगिनत खुशियों से घिरे हुए हो और कुछ भी नहीं। पर ऐसा कुछ ना हुआ तो जिंदगी बहुत बोरिंग होगी। कुछ सेल्फी लेने की चाहत ने परेशानी में डाल दिया। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? बचाओ अपने आप को समुद्र के बीचों बीच पाना बिना किसी बचाव उपकरण के। अरे नहीं, चलिए देखते हैं जेन और लिली पानी से कैसे बाहर आती हैं। वो भाग्यशाली हैं, ये किनारे से इतने दूर नहीं है। बस थोड़ा और, वो आखिरकार पहुंच गए। ओ, वहाँ कुछ कपड़े हैं, एक बढ़िया टोपी। वो हमारे बिना चले गए, कोई बात नहीं, हम ठीक हैं। स्टायरोफोम, ठीक है, हम कुछ बना सकते हैं। हमारे पास इंसुलेशन फोम और बोर्ड्स भी है। स्टायरोफोम को ऐसे बिछाएं। चलिए अब कोनों पर इंसुलेशन फोम लगाएं और साथ ही स्ट्रक्चर बनाने के लिए शीट चिपकाएं और बोर्ड लगाकर जोड़ों को सुरक्षित करें और स्क्रू लगाएं। जैसे आप देख रहे हैं, हमारा एक बढ़िया राफ्ट बन गया। अब बैम्बू की डंडियां लें, एक युवाकार बनाएं और इन्हें कोनों पर लगाने के लिए इंसुलेशन फोम लगाएं और डंडियों को एक साथ ऊपर से ऐसे बांधें। ऐसे ही सारी तरफ से करें। बढ़िया। और पेरीमीटर पर भी फोम लगाना ना भूलें। अब बस आपको एक आरामदायक माहौल बनाना है। थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, एक ट्यूल का टुकड़ा, कुछ फ्लैनल, कुछ तकिए, लाइट्स और प्यारा सजावट का सामान, और ये राफ्ट एक छोटे स्वर्ग जैसे लग रही है। बोट को पानी में उतारने का समय है। हुर्रे! अपने छोटे घर को समुद्र में बहने से रोकने के लिए एक रस्सी से किनारों पर बांधें। कितना अच्छा लग रहा है, इस आरामदायक घोंसले पर तैरना कितना अच्छा लग रहा है। काश मेरे पास कुछ ऐसा होता जिस पर मैं पानी में सन बात लेती। कोई दिक्कत नहीं, चलो एक बनाते हैं। प्लास्टिक नेटिंग का एक बड़ा टुकड़ा लें, इसे ऐसे मोड़ें और साइड्स पर प्लास्टिक टाइल्स का इस्तेमाल करें। कैंची से सिरे काटें। अब आपको कुछ गुब्बारे और पंप की जरूरत है। गुब्बारे फुलाएं। आपको बहुत सारे चाहिए होंगे। इन्हें बैग के अंदर डालें। इसे सील करने के लिए एक और प्लास्टिक टाई का इस्तेमाल करें। कोनों पर रस्सियां बांधें। अब इसे पानी में फेंकें। एक परफेक्ट इन्फ्लेटेबल आइलैंड तैयार है। ये बहुत मुलायम और आरामदायक है। ये ब्लिस है। चलिए अब एक असली इन्फ्लेटेबल मैट्रेस से कुछ बनाते हैं। चलिए इसमें हवा भरते हैं। ये इतना बुरा नहीं लग रहा। अब आपको कुछ प्लास्टिक की बोतलें चाहिए होंगी। इन्हें ऐसे रखें, एक दूसरे पर टेप लगाएं, बॉटलनेक पर ऐसे रस्सी बांधें और इन्हें मैट्रेस से जोड़ें।
अपने स्ट्रक्चर को पोल कवर से ढकें। और पानी में उतारें। आसानी से फिसलने के लिए थोड़ा पानी डालें और आप सीधा समुद्र में जाओगे। स्प्लैश! ये एक असली वाटर पार्क है, पर बेहतर है ना? देखो जेन और लिली ने कितना गजब का वाटर पार्क बनाया। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। इसमें वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। किसी भी यार्ड से इस आरामदायक खुले समुद्री कैंपिंग की तुलना नहीं कर सकते। यहाँ हर कोई आरामदायक हो सकता है। आप लहरों पर आराम कर सकते हैं और समुद्र के बीचों बीच सूरज के नीचे लेटना बहुत अच्छा लग रहा है। ये ब्लिस है, स्वर्गीय खुशी। इस तैरने वाले घर में करने के लिए बहुत सी दिलचस्प चीजें हैं। आपको स्नैक्स खाएं और सनसेट देखें या बस सूरज की सौम्य सेक में आराम करें। और अगर यह ज्यादा गर्मी हो तो आप अपने पैर अंदर डाल सकते हैं। समय बहुत धीरे बीत रहा है, पर ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। ये सुखद जीवन वाली रिलैक्सेशन कैसे बोरिंग हो सकती है, खासकर जब इसमें समुद्री प्राणी शामिल हो। जैसे पानी वाले घर से सीधा केकड़ा पकड़ सकते हैं। ये बहुत अजीब है। ओ देखो, एक मेहमान आया है और ये खुद ही मजे कर रहा है। खासकर उसके पास एक आकर्षक शेल जो है, ये अपने सामान्य माहौल में ज्यादा अच्छा महसूस करेगा, इसलिए इसे समुद्र में वापस छोड़ देते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हमने सच में ये सब किया। हमने अपने लिए एक सुंदर घर बनाया। अब तुम कुछ मजे कर सकती हो। यहाँ तक कि एक सामान्य बॉल गेम भी रोमांचक बन गया। हालांकि सबसे बढ़िया चीज तो यहाँ लेटना ही है और धूप में गर्म होना। ये शानदार नजारा है, बढ़िया। देखो पानी पर सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है। हम प्रकृति को प्यार करते हैं। अगर हम ऐसा घर बना सकते हैं, तो फूड डिलीवरी सर्विस का भी इंतजाम कर सकते हैं। थोड़ी क्रिएटिविटी और आधुनिक तकनीक और ये तैयार है। एक रिमोट से चलने वाली टॉय बोट लें, इससे एक छोटा इन्फ्लेटेबल पूल बांधें और अपना खाना अंदर रखें। हो गया। समुद्री डिलीवरी सर्विस अपने ग्राहक तक पहुंचने के लिए रास्ते में है। क्या सर्विस है, खाना आपके हाथों तक तैरता हुआ आया। सचमुच रॉबिन्सन क्रूसो इस आविष्कार के सामने कांप रहे हैं। जब रात हो जाए, आप स्ट्रिंग लाइट और फ्लैशलाइट जला सकते हैं। इन सब के जलने के बाद तैरने वाला घर जादुई लग रहा है। सिर्फ लहरों की आवाज, ये कोमल हवा, इससे बेहतर और क्या? ये स्वर्ग है। मैं इतनी रिलैक्स्ड कभी नहीं हुई। ओ, अगर आप अपने साथ यूकेलिली लाए हो तो आप इसे एक संगीत में शाम भी बना सकते हो। ये अद्भुत है। इन सरल चीजों से ये गेटवे बनाना, जीवन का आनंद लेते हुए। काश मैं इस पल में हमेशा रह सकूं। समय कुछ जादुई सेल्फीज लेने का। क्या तुम नो फिल्टर कह सकती हो? इनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। क्या आपको ट्रुम ट्रुम पर तैरने वाला घर पसंद आया? क्या आप गर्मियों में कुछ ऐसा बनाना चाहोगे? इसके लिए थोड़ी कल्पना और थोड़ा काम चाहिए, पर इसका नतीजा बहुत शांति और आराम देगा। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप क्या बनाएंगे। अगर आपको मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं ताकि आप ट्रुम ट्रुम से कुछ भी मिस ना करें।